वेलकम बैक टू आवर चैनल MFTV ऑल। टुडे आई एम गोइंग टू टेल योर CA फाउंडेशन एग्जामिनेशन टाइम टेबल हैव बीन क्लियर फाइनली। लेट मी टेल यू समथिंग गाइस, जो आप सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार था CA फाउंडेशन का टाइम टेबल एग्जैक्ट कब आएगा, तो फाइनली टाइम टेबल आ चुका है, रिलीज हो चुका है ऑन ICI के ऊपर। तो यहाँ पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट आपको आज मैं बताने वाला हूँ, यहाँ पर बिल्कुल भी फेक नहीं है। आपका CA फाउंडेशन का एग्जामिनेशन टाइम टेबल आ चुका है और इसके रिगार्डिंग क्या गाइडेंस जारी किया ICI, ये पूरा इस वीडियो के अंदर आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो में जुड़े रहना, प्लीज वीडियो को स्किप ना करना, नहीं तो आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन से आप हो जाएंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट में करता हूँ आगे इसके बारे में, CA फाउंडेशन के बारे में। तो कुड यू एबल टू सी ऑन स्क्रीन, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, तो चलिए आपको दिख रहा होगा तो प्रूफ के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। आपको जाना है ICI एग्जाम टाइप करना है क्रोम ब्राउजर में जाकर, देन आपको डेस्कटॉप साइट 3 को क्लिक करके ओपन करना है। वहां पर थोड़ा देर आपको टाइम लगेगा, टाइम लगने के बाद आपको वहां पर शो करेगा तो दिसंबर 2021 दिख रहा होगा आपको। एग्जामिनेशन डिटेल्स को आपको क्लिक करना है, वहां पर कुछ डिटेल्स, अगर आपने डिक्लेरेशन फॉर्म को डाउनलोड नहीं किया है अभी तक तो जाकर वहां पर से डाउनलोड कर ले, अगर नहीं, अगर आपने कर लिया है तो छोड़िए इस साइट को, चलिए आप इन्फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। तो चलिए लेके चलता हूँ, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ऐसे आपको करना है, देन आपको क्या होगा ये फाइल को टच करते ही आपको इन्फॉर्मेशन गाइडेंस आ जाता है। वहां पर देखिए गाइडेंस में पूरा आपको दिख रहा होगा डिटेल्स में, तो आपका CA फाउंडेशन का जो एग्जामिनेशन टाइम टेबल आ चुका है तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा जो टाइम, ये जो टाइम है पहले पेपर का टाइम मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ऊपर आपको गाइडेंस क्या है वो गाइडेंस को आप पढ़ गाइस, स्क्रीन और मैं शायद हो सकता है कि दोनों इक्वल नहीं चल सकते, क्योंकि स्क्रीन पर क्या दिखा रहा है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो आपको मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो चलिए सुनते हैं। तो आपका जो पहला पेपर है जो CA फाउंडेशन का प्रिंसिपल प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग है, जो सब्जेक्ट जो फर्स्ट है आपको 100 मार्क्स का रहेगा, अकाउंट्स का होता है, वहां पर दूसरा कोई भी सब्जेक्ट आपको नहीं मिलने वाला है। तो इसका चलिए ड्यूरेशन की बात करता हूँ और इसका कौन से डे ये एग्जाम कंडक्ट होगा, तो फर्स्ट डे होगा जो 13 दिसंबर 2021 को होगा, मंडे के दिन होगा, जो 2 PM टू 5 PM इसका टाइमिंग ड्यूरेशन रहेगा। तो आप केयरफुली इसको पूरा ध्यान से आप पहले नोट कर ले, और इसमें आपको 15 मिनट्स पेपर पढ़ने का टाइम मिलेगा और इसके साथ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलेगा। अगर आप सब्जेक्ट कौन सा चूज पहले ऑलरेडी कर रखे हो, हिंदी तो हिंदी में आपको लिखना है, इंग्लिश तो इंग्लिश में आप लिख सकते हो। चलिए दूसरे पेपर के बारे में बात करते हैं, जो सेकंड पेपर आपको होगा, एक दिन का सिर्फ यहाँ पर गैप मिलता है, यहाँ पर आपको थर्सडे, आपको यहाँ पर सॉरी वेडनेसडे को, वेडनेसडे के दिन आपको जो सेकेंड पेपर है वो आपको देना पड़ेगा। इसका भी 3 आवर्स ड्यूरेशन होगा और 2 PM टू 5 PM टाइमिंग रहेगा। जो पहला इसका सेक्शन है बिजनेस लॉ, जो आपको 60 मार्क्स का एक पेपर रहेगा, एक सब्जेक्ट रहेगा, और दूसरा सब्जेक्ट सेक्शन बी में आता है जो बिजनेस करस्पोंडेंस एंड रिपोर्टिंग होता है, वो आपको 40 मार्क्स का रहेगा। दोनों सब्जेक्ट मिला के एक पेपर बनेगा जिसका टोटल मिला के 100 मार्क्स का सेकेंड पेपर हो जाएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं थर्ड पेपर, थर्ड और फोर्थ पेपर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसके बारे में जरूर जाने। यहाँ पर नेगेटिव मार्क्स भी आपको मिलेगा और टाइप ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए इसका जो एक दिन इसमें भी गैप मिलता है, तो ये आपको थर्सडे, आपको सॉरी वेट, आपको ये फ्राइडे को वन डेज का गैप है, तो ये आपको फ्राइडे के दिन आपको ये एग्जाम लिखना पड़ेगा। जो आपका पहला थर्ड पेपर में जो आता है 3 सब्जेक्ट आता है, जो फर्स्ट आता है बिजनेस मैथ आता है जो 40 मार्क्स का रहता है, और सेकंड आता है लॉजिकल रीजनिंग आता है जो 20 मार्क्स का होता है, और थर्ड आता है जो इसमें स्टेटिस्टिक्स आता है जो 40 मार्क्स का रहता है। जो तीनों सब्जेक्ट मिलाकर ये 100 मार्क्स का एक पेपर हो जाता है जो थर्ड पेपर होता है। इसका ड्यूरेशन आपको बता देता हूँ, सिर्फ आपको यहाँ पर 2 आवर्स ड्यूरेशन मिलेगा, हर एक यहाँ पर 100 आपको क्वेश्चन रहेगा, ईच क्वेश्चन आपको सॉल्व करने का 1.2 मिनट्स का टाइम आपको मिलेगा, जो आपको करना है इतना टाइम ही आपको मिलेगा, तो आप फटाफट इसको करना है सॉल्व।
और यहाँ पर अगर किसी में आप मिस्टेक कर देते हो तो आपको नेगेटिव मार्क्स मिलेगा 0.25 यानी कि 1/2 आपको मिलेगा। अगर आप 4 सही लिखते हो, सॉरी अगर आप 1 सही लिखते हो और 4 गलत नेगेटिव कर देते हो तो यहाँ पर क्या होता है, आपका 1 मार्क्स कट जाता है। और वहाँ पर OMR सीट रहता है, वहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान से मार्क करना। अगर आप सही पर भी मार्क करते हो और अगर निशान वो जो बॉर्डर होता है उसके अगर पार कर देते हो तो आपको वो मार्क्स नहीं माना जाएगा, वो एक उसमें भी आपको मार्क्स कटेगा। तो ये इसका भी ध्यान आप रखें। जो आपको फ्राइडे होगा एग्जाम, जो इसका टाइम बता देता हूँ, 2 PM to 4 PM इसका सिर्फ 2 hours ड्यूरेशन है। तो चलिए आपको बताता हूँ जो हमारा 4th पेपर है, जो आपको इकोनॉमिक्स का रहेगा, जो 60 मार्क्स का रहेगा सब्जेक्ट। और दूसरा सब्जेक्ट जो सेक्शन बी के अंदर आता है, कमर्शियल नॉलेज आता है, जो 40 मार्क्स का आपको रहेगा। दोनों मिला के 100 मार्क्स का एक पेपर बन जाता है। इसमें भी आपको नेगेटिव मार्क्स है, 1.5 मार्क्स नेगेटिव, 0.25 मार्क्स नेगेटिव है। अगर आप 1 सही लिखते हो 4 गलत करते हो तो वो मार्क्स कट जाएगा। और OMR सीट में अच्छे से ध्यान से केयरफुली मार्क करें, नहीं तो वो मार्क्स नहीं माना जाएगा। चलिए, 4 सब्जेक्ट मिला के आपको 400 का एक पूरा हो जाता है, जिसमें से आपको एग्रीगेट 200 मार्क्स लाना है जिसमें आप पास करोगे। अगर 200 मार्क्स एग्रीगेट नहीं लाते हो तो आपको पास नहीं माना जाएगा, आप फेल की कैटेगरी में आ जाओगे। हर एक सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट आपको 40 मार्क्स लाना है, इस सब्जेक्ट में ईच पेपर 4 पेपर, हर एक पेपर में आपको 40 मार्क्स अगर लाते हो तो आप पास, और एग्रीगेट आपको 50%। यानी कि ऐसा नहीं है नेसेसरी कि आप सब सब्जेक्ट में 50-60 ऐसा लो, किसी में अगर मान के रखो 40 आप ले आए हो, किसी में आप 50 लेके आ गए, फिर किसी में दो मान के रखो दो सब्जेक्ट में आप 40-40 लेके आ गए हो और दो सब्जेक्ट में 60-60 लेके आ गए, तो क्या होता, दोनों चारों सब्जेक्ट 50-50 ऐसे करके आपका 200 मार्क्स हो जाएगा, जो आपको पासिंग मार्क्स 200 लाना ही पड़ेगा, तो ऐसे आप पास करोगे। तो चलिए इसके गाइडेंस के बारे में जानते हैं, इसके रूल्स और रेगुलेशन के बारे में जानते हैं जो ICAI ने अनाउंस किया है। यहाँ पर आप कैलकुलेटर आपको अलाउड है, कैलकुलेटर आप लेके जा सकते हो, बेसिक कैलकुलेटर होना चाहिए। तो आपको मैं दिखा देता हूँ आपको कैसा कैलकुलेटर होना चाहिए, कैलसी। तो आपको देखिए इस तरह का कैलसी होना चाहिए, बेसिक जो होता है, अगर इस तरह का आप कैलसी लेके जाते हो तो ये वैलिड है। अगर दूसरा स्पेसिफिक किसी साइंटिफिक अगर लेके जाते हैं तो वो वैलिड नहीं है, वहाँ पर फेंक दिया जाएगा और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अच्छा कैलसी ले ले, जो एक नया कैलसी ले ले आपके लिए अच्छा रहेगा, वो कैलसी आप लेके जाए बेटर रहेगा आपके लिए। और यहाँ पर आपको एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा, ब्लैक पेन के अंदर लिखना पड़ेगा, ब्लैक पेन में नेसेसरी है तो आप ब्लैक पेन लेके जाए, ब्लैक पेन में पूरा क्वेश्चन आंसर लिखे, पूरा नहीं तो आपका आंसर नहीं माना जाएगा, तो ब्लैक पेन में लिखे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। और तो चलिए यहीं तक मैं डिस्कशन अपना समाप्त करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन ऑल प्रेस कर दे कि मैं आप सभी लोगों के लिए ऐसे अनाउंसमेंट वाले वीडियो लेके आता रहूँ। और भी फ्यूचर में बहुत सारा मैं आप सबको अपडेट भी करने वाला हूँ रिगार्डिंग CA और दूसरे भी रिलेटेड मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरा जो चैनल है होल चैनल, यहाँ पर आपको हर तरह का एक वीडियो आपको देखने को मिलेगा, चाहे टेक्निकल से रिलेटेड हो, चाहे अनाउंसमेंट से रिलेटेड हो, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो, पूरा वीडियो आपको इस टॉपिक पर मिलने वाला इन फ्यूचर। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन ऑल प्रेस कर दे। मैं मिलूंगा आपको ऐसे वीडियो के साथ। धन्यवाद।